दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तो इतनी ज़बरदस्त टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस के बारे में। इन दोनों का आपस में आखिरकार क्या रिश्ता है, हमेशा ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों दिखाई देती हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सहर खान और ज़ैनब शबीर के बारे में। ये दोनों आखिरकार एक दूसरे की क्या लगती हैं, इनके दरमियान इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री क्यों है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ दिखाई भी देती हैं और हंसते मुस्कुराते एक दूसरे की तारीफें करते हुए नहीं थकती। दोस्तों सहर खान की बात की जाए तो ये बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, और ज़ैनब शबीर भी पाकिस्तान की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार होती है। दोस्तों ज़ैनब शबीर और सहर खान ने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो इन दोनों का वो कैरियर एक साथ शुरू हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो बहुत ज़बरदस्त हुई। और तब से ये दोनों जब भी किसी ड्रामे में अपना किरदार निभा रही होती है तो दोनों एक साथ होती हैं। निदा यासिर के शो में ज़ैनब शबीर और सहर खान का कहना ये था कि हम दोनों एक दूसरे की एक्टिंग को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, हमें एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जबकि ज़ैनब शबीर का ये कहना है कि जब सहर खान पहली बार इस फील्ड में आई थी और मेरा इनसे आमना सामना हुआ तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि हम मिलकर एक साथ ये ड्रामा करेंगे और इस तरह से करेंगे जैसे हम एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। बस सहर खान का यही कहना है कि ज़ैनब शबीर की यही बातें थी जो मेरे दिल में घर कर गई और इस तरह से हमारे दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। अब हम एक दूसरे के साथ जो भी ड्रामा करते हैं बिना किसी झिझक के और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इनका जो सबसे पहले ड्रामा आया था हम टीवी पर सांवरी, उसमें इन दोनों ने बहुत अच्छी अदाकारी की जिसकी वजह से इन्हें शोहरत मिली और शोहरत की वजह से इन्हें मजीद प्रोजेक्ट भी मिलने लग। सहर खान और ज़ैनब शबीर का वो पहला ड्रामा एक साथ था जिनमें इन दोनों ने काफ़ी अच्छी अदाकारी की। इनके साथ उसामा खान थे, उसामा खान ने भी इनके साथ ज़बरदस्त किरदार निभाया। इनका कहना ये भी है कि हमें जब एक साथ कोई प्रोजेक्ट मिल रहा होता है तो हम उसे ज़ाया नहीं करते, बल्कि उस मौके की तलाश में रहते हैं कि हम एक साथ काम करें और बहुत ज़्यादा अच्छी अदाकारी करें। हमारा एक साथ काम करना लोगों को काफ़ी पसंद आता है, इसलिए ये मौका हम कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देते। सहर खान की बात की जाए तो दोस्तों इनका बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है फैसल कुरैशी के साथ फ़र्क। इसमें अदील चौधरी भी बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं। जबकि ज़ैनब शबीर की बात की जाए तो इन्होंने सबूर अली और खुशहाल खान के साथ अदाकारी की मुश्किल ड्रामे में, इनकी अदाकारी को काफ़ी पसंद किया गया। बेशक इनका जो रोल था वो थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव रोल में भी इन्होंने कमाल की अदाकारी की और लोगों ने इन्हें काफ़ी पसंद किया। बहुत से लोगों ने इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन बहुत से लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। ज़ैनब शबीर का ये भी कहना है, बल्कि उनके जो फैंस हैं उनको इनका नेगेटिव रोल ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ज़ैनब शबीर का यही कहना होता है कि मुझे नेगेटिव रोल और पॉजिटिव रोल दोनों करने में अच्छा लगता है। अगर ज़ैनब शबीर और सहर खान के रिलेशनशिप की बात की जाए तो दोस्तों इनके दरमियान बहुत ही अच्छा ताल्लुक है फ्रेंडशिप का। ये दोनों मोस्टली एक दूसरे के साथ नज़र आती हैं, इन्हें एक साथ देखा भी जाता है क्योंकि इनकी केमिस्ट्री एक साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है। अदाकारी की बात की जाए तो सहर खान ज़ैनब शबीर की बहुत ज़्यादा तारीफ करती हैं क्योंकि उनसे पहले वो इस फील्ड में आई थी और वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी, तो इस वजह से सहर खान का ये भी कहना है कि ज़ैनब शबीर से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये इन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं और एक्टिव भी करती हैं। दोस्तों ये बात तो बहुत से अदाकारों से सुनने में मिली है कि जो ज़ैनब शबीर हैं वो दिल की बहुत अच्छी हैं, अगर उन्हें नेगेटिव रोल दिया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बल्कि नेगेटिव रोल उनकी ज़ाती ज़िंदगी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता क्योंकि उनका जो रियल लाइफ का रोल है वो बिल्कुल ही इससे अपोजिट है। वो बहुत ज़्यादा नर्म मिजाज लड़की हैं और बहुत ज़्यादा एहसास करने वाली भी, वो दूसरों की मदद भी करती हैं और दूसरों का साथ भी देती हैं, दूसरे की मुश्किलात को हल करने में उनका काफ़ी साथ देती हैं। जबकि ज़ैनब शबीर ने इस बात का इकरार भी किया कि सहर खान भी किसी से कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाती हैं,
लेकिन इनकी अदाकारी बहुत ही कमाल की होती है, चीज़ों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेती हैं। और इनकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाती हैं।